पॉर्श केस का एक छात्र पर बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें कि पुणे पॉर्श केस के बाद पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई थी। इस दौरान उत्कर्ष की परीक्षा चल रही थी। चेकिंग के दौरान पुणे पुलिस ने उत्कर्ष को रोका, लेकिन जांच पूरी होने में समय ज्यादा लग गया, जिसके कारण उत्कर्ष की परीक्षा छूट गई। इंडिया न्यूज संवाददाता ने उत्कर्ष के दोस्तों से खास बातचीत की। जरा देखिए क्या असर हुआ है इस केस की पड़ताल का। पुणे के पॉर्श केस हादसे के बाद पुणे में कई जगह पे नाकाबंदी लगाकर रख दी थी, जिसके कारण उत्कर्ष जो MIT का स्टूडेंट है वो कॉलेज में टाइम पर नहीं पहुंच पाया और उसको एग्जाम नहीं देने दिया। मेरे साथ यहाँ कुछ MIT के ही स्टूडेंट्स हैं जो उत्कर्ष के क्लासमेट्स हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे कि क्या है सिचुएशन MIT में अभी, कि क्या चल रहा है फिलहाल MIT में। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेश अग्रवाल है, मैं TY BCom रेगुलर बी का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्लासमेट था उत्कर्ष पांडे। तो अभी MIT की अगर मैं बात करूँ तो उत्कर्ष के साथ क्या हुआ उस दिन, आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि पुणे पॉर्श केस जब हुआ था पुणे में, उसके बाद कई जगह पे नाकाबंदी लगा के रख दी थी, जिसके कारण वो लेट हुआ। तो उसकी आपको क्या जानकारी है फिलहाल MIT में क्या चल रहा है अंदर? एक्चुअली वो टेस्ट के लिए थोड़ा देर से पहुँचा क्योंकि नाकाबंदी थी, तो चेकिंग वेकिंग नेसेसरी थी उस टाइम तो। बट स्टिल वो जब एग्ज़ाम देने पहुंचा तो कंसिडर नहीं किया गया उसका केस और उसको बैठने नहीं दिया गया। इफ़ इन केस उसको बैठने भी दिया जाता तो ही कुड हैव स्कोर्ड पासिंग मार्क्स एंड वो पास हो जाता और उसका ईयर डाउन नहीं लगता। सो जेन्युइन रीजंस कंसिडर होने चाहिए कॉलेजेस में, ऐसे एवरी रीज़न को सेम बोल के ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राहुल होता है, मैं उसी का क्लासमेट हूँ, फ्लैटमेट भी हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ। वो उस दिन एकदम टाइमली तैयार हो गया था, घर से जैसे ही निकला टाइम से पहुँच जाता, अगर कुछ भी नाकाबंदी नहीं होता वो टाइम से पहुँच गया था। इनफैक्ट वो उसने सारा चीज़ बताया। उस क्लास में जो सर थे वो सर ने डायरेक्टली डिनायल कर दिए कि, और क्लास कॉलेज में तो हर एक बार तो यही होता है कि चार जन से मिलिए तब जा करके आपको अंदर बैठने मिलेगा। लड़का ने वही किया, चार जन से मिला बट लेकिन तब पर भी उसने बैठने नहीं मिला। और फिर जब एग्ज़ाम नहीं देने को मिला तब फिर उसके बाद कॉलेज वाले श्योरिटी दिए कि नहीं आपका एग्ज़ाम जो भी है वो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। बट लेकिन टाइम के साथ जैसे ही टाइम बीतते गया वो कंसिडर नहीं किया और फिर लास्ट में बोलते हैं कि आपका YD लग गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कॉलेज वाले का ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। ये बैक पेपर का सीन क्यों होता है? ये बैक पेपर उत्कर्ष का लगा क्यों? क्योंकि आप उसके क्लासमेट्स हैं। उत्कर्ष का क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है? क्या वो मतलब रेगुलरली क्लास आता है और सेकेंड असाइनमेंट्स प्रॉपर सबमिट करता है, इंटरनल्स के एग्ज़ाम प्रॉपरली देता है? उसका क्लास में जो बिहेवियर है, क्या वो क्लास में टाइम पर आता है, इसके बारे में हमें बताइए। क्लास में तो वो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी तो बिल्कुल भी नहीं करता है, शांति रहता है, जो भी टीचर से रहता है सबसे अच्छे से बात करता है। और अटेंडेंस के चक्कर में तो MIT वाले तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का करते ही है कि नहीं देंगे, ये करेंगे। लड़के अगर टाइम से भी पहुंच रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी पेन मांग रहे हैं, कॉपी मांग रहे हैं, तो फिर अगर उसमें भी डायरेक्ट एक ही चीज़ का धमकी देते हैं कि आप लोग का अब अटेंडेंस नहीं दूंगी, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, कुछ भी नहीं। और उसी के चक्कर में स्टूडेंट्स के अटेंडेंस भी चले जाती है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये अटेंडेंस का ड्रामा है कॉलेज में। तो उत्कर्ष को भी जो है सेकेंड सेमेस्टर जब उसने एग्ज़ाम दिया था, अटेंडेंस के कारण उसको बैक पेपर लगा दिया था। हालांकि उसके बाद जब फोर्थ सेमेस्टर में उसकी री एग्ज़ाम होती है, और फोर्थ सेमेस्टर में जब री एग्ज़ाम हुई थी तब पुणे पॉर्श के हादसे में नाकाबंदी कारण वो लेट हो गया। मेरे साथ और भी कुछ यहाँ उत्कर्ष के ही क्लासमेट्स हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या? जी मेरा नाम रोहित है, मैं उसी क्लास में हूँ। और जब उसको एक मेल आया कि आप क्लास रेगुलर कर सकते हैं, तो उसके कारण वो क्लास रेगुलर आ रहा था और उसका मतलब अटेंडेंस का भी कोई इशू नहीं, वो हर दिन क्लास में पंक्चुअल था, मतलब कि पूरा एकदम टाइम टू टाइम आता था, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं था। लेकिन जब उसको मेल आया कि आप क्लास करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा, और उसी चक्कर में फिर एक दो हफ्ते के अंदर ही फिर वापस अपने को एक मैसेज आया कि अब फीस का टाइम हो गया, कि फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरना है अपने को। तो उसने जैसे ही वो फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा, उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही अपना YD का लिस्ट निकला और उसमें उसका नाम आया। तो फिर जाके फैकल्टी से बात बात करने का कोशिश किया कि क्या सीन है, कि मतलब ऐसा नाम क्यों आ गया, कि क्या करना है ये वो। तो उसी चक्कर में बस वो फिर घूमता रहा, फिर फैकल्टी एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहा है कि इसके जाके बात करो, उनसे जाके बात करो।
तो MIT में हर बार ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी से फैकल्टी से बात करना है आपको किसी इशू के वजह से, तो आपको एक फैकल्टी, दूसरे फैकल्टी, तीसरे फैकल्टी यही करना पड़ता है बस हमेशा यही। फर्स्ट सेम से मेरे साथ भी वही होता है कि मतलब अगर कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल मतलब लेगा ही नहीं कि हाँ मेरा जिम्मेदारी है, सब बोलेगा कि हाँ उनसे जाके मिलो, वो बोलेंगे उनसे जाके मिलो, फिर वो बोलेंगे उनसे जाके मिलो, फिर वो घूमता ही रहेगा पूरा का पूरा। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ प्रथमेश इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव। प्रथमेश, ऐसे किसी का साल खराब हो जाना, सड़कों से गुजरने वालों को परेशानी का सामना उठाना, ये क्या मुंबई पुलिस के ध्यान में है? और क्या जो संबंधित कॉलेजेस हैं जहां इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, क्या कंसीडर नहीं किया जा रहा कि पुलिस की वजह से लेट हो गया, या फिर क्या इसमें कोई एस्केप रूट निकालना चाहिए, कोई और बी विकल्प तैयार करना चाहिए ताकि छात्रों का नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था कुछ दिन पहले ही पुणे में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें पुणे पोर्श केस हुआ था, जिसके बाद जो लगातार जो पुणे पुलिस के द्वारा नाकाबंदी लगा के रख दी थी। फिलहाल इस वक्त मौजूद हूँ, पुणे में ही मौजूद हूँ, और मैं सीधा जब मैं MIT कॉलेज में गया तब मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। उसके जिसके बाद मैं जब उत्कर्ष से बात किया, हम लोगों ने उत्कर्ष से ही बात किया, तो उत्कर्ष की तरफ से ऐसा कहा गया था कि जब मैं कॉलेज जा रहा था उस दिन उसका पेपर था और नाकाबंदी के वजह से पुलिस ने उसको रोक दिया गया था, उसके गाड़ी की चेकिंग की गई थी कि क्या लेके जा रहे क्या नहीं। और जब उन्होंने पुलिस से बात किया तो पुलिस ने यही बोला था कि हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुणे पहुंच के सोचा उसके बाद। और फिर जब वो कॉलेज पहुंचा तो वो आधा घंटा लेट पहुंचा एग्ज़ाम के लिए, जिसके बाद उसे जो है एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने जो है अपने फैकल्टीज़ है, डीन है, उनको संपर्क साधा, लेकिन उनके तरफ से भी ऐसी कुछ आशा उनको जताई गई थी कि आपको देने दिया जाएगा। लेकिन डेढ़ घंटे का पेपर था और डेढ़ घंटे तक उसे कोई भी पेपर नहीं देने दिया गया, उसे बस एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया था। और उन्होंने मेल भी डाले थे, कई डीन को मेल डाला था, एग्ज़ाम कंट्रोल को मेल डाला था, लेकिन कुछ भी जो आसार है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए थे, और उसे जो है वो एग्ज़ाम देने में रद्द कर दिया गया था, उसे वो एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था। हालांकि जब मैंने उसके जब स्टूडेंट से भी बात की, उसके क्लासमेट से बात किया, तब उसके वो जो प्रॉपरली कॉलेज आता था, अटेंडेंस उसका प्रॉपर था, असाइनमेंट प्रॉपर सबमिट करता था, ये है उसकी। तो ये पीछे जब फिर उसके बाद मैंने डीन से भी बात किया, डीन फिलहाल इसमें जो है BCom का वो स्टूडेंट है, और डीन फिलहाल इन सब में से बचते हुए दिखाई दे रहा है, वो अपने ऊपर नहीं लेने चाहते हैं डीन जो है वहाँ के। तो इस तरीके से पूरी जो ये सिचुएशन फिलहाल MIT और पुणे में, हालांकि जिस तरीके से पुणे पोर्श केस हुआ था, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कर कोई और रहा है और भरना किसी और को पड़ रहा है। तो इसके वजह से जो है अभी उत्कर्ष का जो है पूरा जो एक साल है वो वेस्ट हो रहा है, उसे ऐसा कॉलेज की तरफ से ऐसा कहा गया है कि जो एक साल है आपका ये आप ईयर नहीं कर सकते। वो थर्ड ईयर में था BCom के, लेकिन वो थर्ड ईयर अभी नहीं कर सकेगा, उसको कहा गया है कि आप वापस से ये जो ईयर है पूरा ये रिपीट कीजिए, ऐसा फिलहाल कहा गया है। हालांकि ये जो शुरुआत है वो जो सेकंड सेमेस्टर में था, अगर ये एक स्टूडेंट के साथ हुआ है तो ये तो औरों के साथ भी हो सकता है। इसमें क्या किसी तरीके से नियमों में बदलाव की कोई बात नहीं, या जो बाकी स्टूडेंट्स हैं क्या उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं उठाई जा रही? जी बिल्कुल, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ऐसी मांग उठाई जा रही है कि जिस तरीके से अटेंडेंस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जिस तरीके से अटेंडेंस हम लोग लेते हैं तो एक ऑनलाइन वेबसाइट रहता है, वहाँ पर शो करता है कि आज आप कॉलेज आए हैं नहीं आए हैं, तो ये जो अटेंडेंस रहता है रेगुलरली अपडेट होना चाहिए, ये ऐसा स्टूडेंट की तरफ से कहा जा रहा है। और किसी जेन्युइन रीजंस के वजह से जब स्टूडेंट लेट होते हैं तब उन्हें थोड़ी सी जो रियायत है वो देनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के वक्त जिस तरीके से उत्कर्ष लेट हुआ था, पुणे पोर्श के सबसे बड़ा मामला तब शुरू था, और नाकाबंदी ये सबको सब लोगों को पता था कि नाकाबंदी है उस दिन, और उसी वजह से उत्कर्ष उस दिन लेट हुआ था, और उसे कुछ भी जो एक राह है कि आप कुछ कर सकते हैं या फिर आप री पेपर दे सकते हैं फिर से इसका, तो वो उसे नहीं देने गया था। हालांकि ये जो शुरुआत है ये री पेपर की ये शुरुआत हुई थी सेमेस्टर टू से, जब उत्कर्ष फर्स्ट ईयर अपना सेमेस्टर टू की एग्ज़ाम दे रहा था, उसे अटेंडेंस की वजह से उसे बैक लगा दिया था, उसका जो अटेंडेंस 73% के आसपास था जिसके वजह से उसे बैक लगा दिया गया था। जब सेमेस्टर टू का जब आपको बैक लगता है पेपर, तब आपको सेमेस्टर फोर में देना पड़ता है वो पेपर री पेपर। तो उसी दिन जब सेमेस्टर फोर में वो जो सेमेस्टर टू का री पेपर दे रहा था, उसी वक्त जब जा रहा था कॉलेज, और उसी वक्त नाकाबंदी की वजह से रोक दिया गया था, जब उसने कई फैकल्टीज़ को वहाँ पे कंसर्न किया, पूछा कि मुझे इस रीजंस के वजह से लेट हुआ है, लेकिन कुछ भी सहायता फैकल्टीज़ और डीन के वजह से
के तरफ से नहीं की गई, सब लोग जो है अपना पल्ला झाड़ते रहे, ऐसा दिखाई दिया। जी, अब ऐसे में छात्र का एक साल बर्बाद हो गया है, विकल्प के तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। जो बाकी के छात्र हैं उनके जरिए भी दरख्वास्त की गई। आपने कहा कि आप पुणे में मौजूद हैं, क्या आपने मैनेजमेंट से बात करने की कोई कोशिश की, क्या किसी भी तरीके से इस मसले का हल निकल सकता है क्या, और कितने मिनट लेट हो गया था ये छात्र जिससे परीक्षा में बैठने नहीं दिया? जी, हालांकि जो उत्कर्ष है 30 मिनट लेट था, क्योंकि जो नाकाबंदी उसके वजह से उसे 30 मिनट लेट पहुंचा वो कॉलेज में, और जब वो क्लास में गया तब वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने कहा कि आप डीन के पास जाइए और कंसर्निंग फैकल्टीज़ के पास जाइए, वहाँ से अगर वो परमिशन देते हैं तो आप क्लास में आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वैसे ही उत्कर्ष ने भी किया था, वो डीन अपने कंसर्न फैकल्टीज़ के पास गया, लेकिन वहाँ से उनको कहा गया कि आप एग्ज़ाम कंट्रोल के पास जाइए, जो एग्ज़ाम कंट्रोल करते हैं उनके पास जाइए, उनके पास से परमिशन लेके आए। तो ये परमिशन के खेल के चक्कर में पूरा जो है 1.5 घंटा उसका चला गया और उसको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। जब उसके बाद अभी जब कल मैंने डीन जो है बीकॉम के डीन है उनसे बात किया, हालांकि वो कैमरा से बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जब मैंने उनसे बात किया तब उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मेरा अथॉरिटी नहीं है, मैं इस पर नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि ये पूरा जो डिपार्टमेंट है ये एग्ज़ाम कंट्रोल के डिपार्टमेंट में आता है। हालांकि जो डीन है वो बीकॉम की, और डीन एक सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। अगर आप किसी भी कोई स्कूल देखते हैं वहाँ की जो डीन हो तो वो एक सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है और उनके पास बहुत से पावर्स रहते हैं, लेकिन उत्कर्ष को भी इसमें कुछ हेल्प नहीं की गई। हालांकि उनके तरफ से ऐसे ही बताया गया था कि अगर इंटरनल्स होता तो मैं हेल्प कर सकती थी, कुछ सहायता कर सकती थी, लेकिन ये एक्सटर्नल एग्जाम है इसलिए मैं इसमें कुछ भी सहायता नहीं कर सकती थी, ऐसा ही जो डीन है उन्होंने मुझसे कहा। हालांकि जो कैमरा पे बात करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ऐसा फिलहाल यहाँ पे MIT में फिलहाल स्थिति है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक साल इस छात्र का बर्बाद हो गया, 30 मिनट लेट से एग्जाम में गया क्योंकि रास्ते में पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया था, वहां पर टाइम लग गया।